आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। बीते दो दिनों से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से अलग क्यों हो गए। कल हमने चर्चा की कि आखिर दारा सिंह चौहान पार्टी से अलग क्यों हो गए। कल चर्चा के दौरान विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस बात पर भी दम भरा था कि आज और बड़े कुछ ऐसे नाम हैं जो बीजेपी छोड़ने वाले हैं, और हुआ भी कुछ उसी तरह से। धर्म सिंह सैनी जो उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री हैं, उन्होंने आज पत्र लिखकर ये कह दिया कि दलितों, वंचितों, पिछड़ों का इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता, उनकी बात नहीं जो सुनी जा सकती और उनके हक के लिए अगर बोलो तो कोई सुनने वाला नहीं है। वही लाइनें जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखी थी, वही लाइनें जो आपके कल चौहान साहब ने लिखी थी, वही आज धर्म सिंह सैनी ने भी लिखी और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक से एकाएक हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता, बड़ा मंत्री बीजेपी क्यों छोड़ रहा है, और अब तक इनकी संख्या करीब 14 हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दो दिन पहले जब मुझसे उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 14 तारीख को वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। कल 14 तारीख है, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी के जिस तरह से सीनियर लीडर, सीनियर नेता जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, वो अपना घर खाली कर दे रहे हैं, वो चिट्ठी लिख के इस्तीफा दे दे रहे हैं, वो सरकार के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं, वो ये कह दे रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही थी, हम बड़े ग्रसित थे, अब हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये 14 तारीख से पहले जो ट्रेलर दिखाया है, कल कौन सी पिक्चर दिखाने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भी देखना है हमें, क्योंकि आज भी उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि कुछ बड़ा करने वाला हूं 14 तारीख को। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, जहां एक तरफ बीजेपी पर लगातार नेताओं के निकलने का सिलसिला जारी है, बीजेपी कैबिनेट के हो या फिर राज्य के हो, मंत्रियों का, विधायकों का निकलना लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो गेट है वो सुबेरे खुल रहा है और रात भर खुला रह जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि जो नेता है वो आ रहे हैं, अखिलेश से मिल रहे हैं, अखिलेश से मीटिंग हो रही है और मीटिंग के बाद अखिलेश सबको आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, हम है ना। क्यों अखिलेश इतने कॉन्फिडेंट में आ गए हैं, क्यों जो नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं वो अखिलेश यादव से ही मिलने जा रहे हैं, क्यों जैसे ही वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, जैसे ही बीजेपी से अलग हो रहे हैं, उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के साथ पोस्ट कर दी जा रही है, अखिलेश यादव कभी खुद कर रहे हैं, कभी वो नेता कर रहा है, और उसके बाद एकाएक बड़े पैमाने पर नेताओं का पार्टी छोड़ देना, ये क्या है कि बीजेपी की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आप लिखते जाइएगा, हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ेगा। और कल भी जब हम डिबेट कर रहे थे तो उस दौरान सुभाषपा के प्रवक्ता जो थे सिद्धार्थ राजभर, उन्होंने कहा था कि आज 3 लोग पार्टी छोड़ेंगे, बिल्कुल हुआ भी उसी तरह, धर्म सिंह सैनी ने छोड़ी, 2 और प्रमुख विधायकों ने छोड़ी। तो ये जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला आखिर बीजेपी में थम क्यों नहीं रहा है, और कैसे इतनी बड़ी लीड जो है वो समाजवादी पार्टी या फिर उनके सहयोगी दलों को मिल रही है कि आज ये छोड़ेंगे कल वो छोड़ेंगे, ये सिलसिला कितने और दिन तक चलेगा, ये सारी चीजें जो है इन पर मंथन करना बहुत जरूरी है, इन पर विचार विमर्श करना जरूरी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के एकदम मुहाने पर जो नेता है वो पार्टी से वो भंग होकर के उनका इस्तीफा अपना वो सौंप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार हमारी बात लंबे समय से नहीं सुन रही थी। तो जब लंबे समय से नहीं सुन रही थी तो इंतजार ये 2 महीना, 1 महीने का क्यों किया गया कि जब चुनाव आ जाएगा, 1 महीना बचेगा तभी इस्तीफा दिया जाएगा, तभी घर खाली कर देंगे, तभी चिट्ठी लिख देंगे। अच्छा, अहम बात यह भी है कि जितने भी नेता मंत्री छोड़ रहे हैं पार्टी, वो जो पत्र लिख रहे हैं उन पत्रों का फॉर्मेट सबका एक है, सब में एक ही भाषा लिखी गई है कि भैया वंचितों का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, आवाज उठाओ तो कोई सुनता नहीं है। अच्छी बात है कि हमारे नेताओं को चुनाव के करीब आकर के इन दलितों को, इन दलितों की, इन पिछड़ों की, इन वंचितों की याद तो आई, लेकिन याद चुनाव के इतने करीब आकर के आई ये भी बात हजम नहीं होती है। फिलहाल जो दल छोड़ने का सिलसिला है उत्तर प्रदेश में वो बदस्तूर जारी है,
बीजेपी छोड़ छोड़ के कई सारे बड़े नेता, उनके विधायक अब कहाँ जाएंगे ये कल पता चल जाएगा, क्योंकि 14 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि 14 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। आज रात नींद नहीं आएगी क्योंकि कल से सवेरे ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भीड़ बढ़ जाएगी और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में सपा में कल ज्वाइनिंग होनी है। बसपा के भी कुछ नेता हैं, बीजेपी के भी कुछ पूर्व मंत्री कुछ नेता हैं, कुछ अन्य दलों से भी जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी वाले, उनको भी अखिलेश यादव ने बुलाया था अपने घर पे, माफ कीजिएगा पार्टी कार्यालय पर, वहां उनकी मुलाकात हुई है और सुनने में आ रहा है कि उनसे भी बात बन गई है। तो ये छोटे छोटे दलों को अखिलेश यादव इतनी आसानी से कैसे अपने पक्ष में खींच ले रहे हैं, कैसे जो नाराज है विधायक, जो नाराज है मंत्री, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं, वो सबसे पहले अखिलेश यादव के ही कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। क्या इनकी डील पहले हो चुकी थी और इन डीलों के बीच में सबसे प्रमुख कड़ी कौन था, ये सब जानना समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच में आप बीजेपी को भी कब मत आंकिएगा, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद बीजेपी शांत बैठी है तो क्यों शांत बैठी है ये भी लोगों को पच नहीं रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या कुछ अभी भी तर्कश में कुछ ऐसे तीर बचे हुए हैं जो बीजेपी एन समय पर आकर के छोड़ने वाली है। और सारा ये जो सिस्टम है, सारा ये जो दल बदलने का सिलसिला है, ये सब धाराशाही हो जाएगा। इस पर उम्मीद लगाई गई है, लोग उम्मीद लगाए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीद लगाए हैं, बीजेपी के सहयोगी दलों ने उम्मीद लगाई है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं, उनसे जो सहयोगी दल जो बीजेपी में आए हुए हैं उनको काफी कुछ मिल गया है। वो ये जान रहे हैं कि भैया चलो बड़े नाम गए तो हम छोटों को ज्यादा पूछा जाएगा, और कुछ ने तो ये भी बता दिया कि हमें कितनी सीटें मिल रही हैं। एक हिस्सेदारी मोर्चा है, 12 पार्टियां हैं उसमें, उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि 5 से 8 सीटें जो है बीजेपी उन्हें देने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में। कितनी सच्चाई है ये भी नहीं पता मुझे, अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, चर्चा विचार विमर्श सब बाजार जो है वो गर्म है चर्चाओं का, इसमें सच्चाई कितनी है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सब ये जान रहे हैं कि चलो ठीक है, बड़े बड़े नेता गए तो चलो अब हमें तो पूछा जाएगा, हमें तो पूछेंगे, हमें तो सीट मिलेगी, हमारी दावेदारी तो मजबूत होगी, किसी का तो भला हो रहा है। कोई दल छोड़कर अपनी भलाई देखने की कोशिश कर रहा है तो कोई दलों में वापस आकर के या दलों के साथ जुड़ करके या उनको बाहर निकलता देख के अपने आप को मजबूत करने की जो असमंजस है उस लड़ाई को जीतता हुआ नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस ने भी आज चुनाव की पहली जो अपनी सूची है वो जारी कर दी है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस बार महिला कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो बड़ी होगी, ज्यादा होगी, 50% महिलाओं को हम प्रत्याशी बनाएंगे, और किया भी उसी तरह से। प्रियंका गांधी ने आज 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की और उसमें 50% महिला कैंडिडेट्स उतारे हैं। कुछ महिला नाम अगर हम आपको बताएं तो वो बहुत प्रमुख है, जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता की माँ का नाम भी शामिल है, जिसमें CANRC में जेल गई और लखीमपुर मामले में प्रियंका गांधी के पीछे पीछे भागने वाली सदफ जफर लखनऊ मध्य से प्रत्याशी चुनी गई हैं। ममता चौधरी जो लंबे समय से कांग्रेस में रही हैं, सभासद रही हैं एक वार्ड से, उन्हें भी प्रत्याशी बना दिया गया है। पूनम पांडे का नाम शामिल है, कई सारे बड़े नाम महिलाओं के शामिल हैं जो राजनीति में अपनी जगह तलाश रही थी और प्रियंका गांधी ने उन्हें जगह भी दी। और कुछ ऐसे भी नाम शामिल हैं जो राजनीति से खुद को दूर रखना चाह रही थे, जो राजनीति से खुद को ग्रसित पाया हुआ समझ रहे थे, चाहे वो उन्नाव के कांड की बात कर ली जाए या कुछ अन्य कांडों की बात कर ली जाए, उनको भी राजनीति में लाने के लिए प्रियंका गांधी ने टिकट दे दिया है। तो ये कांग्रेस ने अपनी पहली जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा पर काम कर दिया है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कल 14 तारीख है, कल क्या होगा, कल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अंदर क्या होने वाला है, और बीजेपी का दरवाजा कल अगर खुलेगा तो कौन बाहर आएगा, कौन भाग के सपा की तरफ जाएगा, कौन फोटो खिंचाएगा, इन सब मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरी उनकी कोई संबंध में बात हुई है। हाँ,
मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवत है, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। तो अभी कुछ देर पहले धर्म सिंह सैनी आपकी टीवी स्क्रीन पे थे जो ये कह रहे थे कि मुझे बीजेपी में पूरा विश्वास है, मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाला, जिन्होंने छोड़ा है उनको छोड़ने दीजिए, और आज एकाएक उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। फिलहाल हम इस डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे और उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा को शुरू करेंगे। शमशी आज़ाद हमारे साथ बीजेपी से हैं, शरीफ हाशमी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सिद्धार्थ राजभर हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और सुनील कुशवाहा साहब हमारे साथ हिस्सेदारी मोर्चा से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी के सहयोगी दल है जो 22 में चुनाव एक साथ लड़ने वाले। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शमशी भाई आपके पास आना चाहूंगा। कल डिबेट हुई थी तो वहां पर कुछ विपक्ष के आपके साथी हैं, उन्होंने कहा था कि आज फिर कुछ होएगा, कोई 3-4 नाम ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ने वाले हैं, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। तो ये क्यों हो रहा है कि विपक्ष को ज्यादा पता है कि कौन कौन पार्टी छोड़ने वाला है, आप लोग को नहीं पता है कि हमारा कौन नेता जाने वाला है, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने का मौका आपने दिया। देखिए, गद्दारों को ही पता होता है, ये आप हमेशा जानते हैं, चोर चोर मोटेरे भाई होते हैं। हमारी पार्टी में रहने के बाद जब 5 साल जनता ने इनका रिपोर्ट कार्ड भेजा कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विधायक बनाए गए थे, जो मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और जनता के लिए कोई काम नहीं किया, पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया, तो पार्टी ने जब उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया तो उनको पहले ही भनक लग गई थी कि हमारा टिकट कटने वाला है। ऐसा कोई भी दमदार नेता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको बहुत मजबूती से पेश कर रही थी, ये वही लोग थे जो दूसरे दल से निकल कर स्वार्थी लोग थे, अवसरवादी लोग थे। धर्म सिंह सैनी का भी टिकट काट रहे थे क्या आप लोग? धर्म सिंह सैनी का देखिए टिकट काटा जा रहा था कि नहीं काटा जा रहा था, कुछ उनको अंदर खबर जरूर लगी होगी, उनको देखिए खबर जरूर लगी होगी कि हमने 5 सालों में जनता के लिए काम नहीं किया तो हो सकता कि हमारा टिकट काटा जाए। अच्छा। नाराजगी अगर होती तो कम से कम उनको बात करना चाहिए था, उनको शीर्ष नेताओं से अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहिए था, क्या बात उनकी नहीं मानी जा रही थी उसके बारे में उनको बताना चाहिए था। अच्छा, आपके पुराने साथी हैं, आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी थे, कल परसों मेरी उनकी बात उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रोज कोई ना कोई छोड़ेगा, आप देखते रहिएगा, उनको कैसे पता भैया? मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया, मैं फिर वही बताऊंगा कि गद्दारों की चाल का पता जो है गद्दारों को ही होता है। अच्छा। ये जो होता है सेवक जो जब होता तक है वो लोग आपके साथ थे तब गद्दार नहीं थे, अब गद्दार हो गए। वो उनकी राय से मजबूर जो है उनकी राय से वाकिफ नहीं, नहीं होते। आपके दल में भी तो किसी दल को छोड़ के आए थे ना, वो सब तो गद्दार नहीं, नहीं थे। हमारे दल में छोड़ के आए थे तो हमने उनको सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, हमने सुधरने का मौका दिया। वही सम्मान अब वो दूसरी पार्टी में लेना चाहते तो काहे परेशान है आप? हमने सुधरने का मौका दिया, हमने उनको सम्मान दिया, वही वाला सम्मान शरीफ हाशमी देना चाहते है तो आप उनको क्यों गद्दार बोल रहे हैं भाई? नहीं, गद्दारी अब वो कर रहे हैं भाई, अब उन्होंने गद्दारी किया। असल में वो जो है तो अपनी स्वेच्छा से कोई काम नहीं करते, वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े माफिया हैं, उनके दबाव में हमेशा से वो कार्य करते रहे हैं,
उनके यहाँ दरबारी लगाते रहे। और आपको मीडिया के माध्यम से आपको पता भी चला होगा कि जब समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपना हाथ मिलाया है तो सबसे पहले अपने आका, अपने रहनुमा, अपने उसी माफिया से मिलने के लिए बांदा जेल भी गए थे, वो भी सबको पता है। तो उसी दिन ये डर जाहिर हो गया था कि यहाँ पर जो उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और उन्होंने बार बार हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को प्रेशराइज करने की कोशिश की थी कि इनके ऊपर से केस हटा दिया जाए, इनको रिहा कर दिया जाए। जब वहाँ इनकी कोई बात नहीं बनी तब इन्होंने इस्तीफा दिया था। और उनका अच्छा, परेशान है कि नहीं ये बताइए आप पहले, बीजेपी कोई परेशानी नहीं हमारे पास। एक तरफ आपके नेता पार्टी छोड़ रहे, हमारे पास राजभर समाज सम्मेलन किया, मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, उसमें 50% महिलाओं को टिकट भी दे दिया है, वो भी उनको जिनके ऊपर आप लोगों ने अत्याचार किया था, ऐसा उनका कहना है जी। तो समस्या है कि नहीं? कोई समस्या नहीं है। हमको देखिए, हमको जनता को देखना है, प्रदेश की जनता को देखना है। प्रदेश की जनता हमको लगातार अपना विश्वास दे रही है, जन विश्वास यात्रा के दौरान, आशीर्वाद यात्रा के दौरान, झंडा लगाने के दौरान हमको जो है तो जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। और हमारा मनोबल कहीं से भी कमजोर नहीं, हमने जनता के बीच में जाकर 5 साल काम किया है तो हमको जनता पर विश्वास है। और जिस तरीके से 2017 में जनता ने हमको जो अपने सराखों पर बैठाया था, हमको पुनः विश्वास है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहराया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं आता हूँ आपके पास, शरीफ हाशमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। शरीफ भाई, ये शमशी भाई कह रहे थे कि जो गद्दार हैं वो गद्दारों का साथ देने के लिए चले गए हैं। भाई ये जब इनके पार्टी में थे तब गद्दार नहीं थे और आप लोग के यहाँ गए तो आप लोग गद्दारी सिखा रहे हैं, कितना सही है इस बयान? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने हमारी बात बड़ी बल्दी से रखी है। कि इन्होंने कहा गद्दार, तो पहला गद्दार कौन, भाजपा के लोग या जो आप? पहले इन्होंने लिया उनको, किसी दूसरे दल से लाए, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े दल से इन्होंने लोगों को लिया। और भारतीय जनता पार्टी का एक वॉशिंग मशीन है नितिन जी, जानते हैं, उसमें जैसे ही कोई दूसरे दल से आता है उसमें डाल देते हैं, धो के निकालते हैं, एकदम शुद्ध होता है। फिर जब इनके घर से वापसी होता है तो फिर उसी में डाल के वापस करते, कहते हैं अब ये गंदा हो गया। अच्छा, जब तक इनके दल में थे उनके सारे पाप धुले हुए थे, ना वो गद्दार थे और ना उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा था। रिपोर्ट कार्ड इन्होंने तैयार कब किया? जब पूरी सरकार की मलाई खा ली तब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। सच्चाई तो यही है, जो लोग इनके साथ थे आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं उनको हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव में अपना तो दिखा, एक आस्था दिखी कि उनकी कथनी और उनकी करनी में कोई फर्क नहीं है इस बात। और उन्होंने अपने आप को घुटा हुआ महसूस किया, जितने भी आए उन्होंने एक ही लाइन कही कि वंचितों, दलितों, पिछड़ों की आवाज को भारतीय जनता अच्छा, पार्टी ये वाली चिट्ठी क्या आप ही लोग लिख के दे रहे हैं क्या? क्योंकि सब में तो सेम चीज लिखी हुई है। नहीं, वो सबके साथ एक ही दर्द है, जो दर्द जनता का है वही जो इनके विधायक मंत्री हमारे आ रहे उसको महसूस किया उन्होंने कि 5 साल जिस क्षेत्र से वो जीते थे, जिस पार्टी के भरोसे उन्होंने उस जनता से वादा किया था, किस मुंह से जाएंगे उस जनता के बीच, क्योंकि इनके मुखिया ने उस वादे को पूरा नहीं किया। इंटरप्ट नहीं कीजिए, अभी मैं इनके मुखिया ने सिर्फ हिटलर शाही दिखाई, एक करके बात बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने हिटलर शाही से राजनीति करी, जनता को भी ठगा और जो दल इनके साथ दूसरों दलों से टूट के आए थे उनको भी ठगा। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, उन्होंने उचित समय देखा। कल क्या है शरीफ भाई, कल क्या है? कल कुछ बड़ा ही होगा। कल क्या बड़ा होगा बताइए, बहुत पवित्र दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, हम सब मिल बैठ के कुछ खिचड़ी खाएंगे, कुछ नई खिचड़ी पकेगी। खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग, खाने की बात नहीं है, कुछ पका रहे हैं। खाने का समय आ गया नितिन जी, इनकी खिचड़ी जो थी वो पक नहीं पाई, वो जल गई, अब असली इधर है, अब वो इनका इंतजार। और आप कह रहे थे ना बार बार एक बात, बड़े शांत है ये लोग। हाँ, ये शांत क्यों बैठे भाई, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, वो इनके अपने लोग जाते हुए, मैं आऊंगा आपके पास, जरा शांत रहिए, सुन लेने दीजिए। हाँ, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा कि जिनको हम इतने प्यार से पुचकार के रख रहे थे, क्या वो हमसे अब तक इतनी मजबूरी से रुके हुए थे, क्यों उचक के भाग गए? इन्हें लग रहा था कि मैंने इतना दबा दिया है कि इनमें से कोई हिलेगा नहीं, कोई मुकदमे के डर से नहीं हिलेगा, कोई घर करने के डर से नहीं हिलेगा। आदमी ने सही मौका देखा, मेरे नेता में आस्था जताई और मेरी तरफ आ गए, और हम उनका सम्मान करते हैं। जो जनता के लिए काम करना चाहता है उसका भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है,
जो अपने लिए करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में वो रहे जो जनता के लिए आए। ये वो लोग हैं जो जनता के बीच जाते शर्मा रहे थे, क्योंकि इनके मुखिया ने उनको अपना स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया। हमारी यहाँ पार्टी में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम उन्हें पूरा वादा करते हैं कि हम वो पूरा सहयोग करेंगे जो जनता के साथ वो कर सके। ठीक है, धन्यवाद। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। चंद्रेश भाई, एक तरफ आज देखा जा रहा है बीते तीन दिनों से कि लगातार बीजेपी से बड़े बड़े नेता जो हैं वो छोड़ रहे हैं पार्टी को, समाजवादी पार्टी की तरफ उनकी आस्था बढ़ रही है, वो भाग रहे हैं इधर उधर। आप लोग उस बीच में अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, वो भी उसमें 50% महिला कैंडिडेट आ गई हैं, तो आप मतलब अपनी अलग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को क्यों आप लोग इतना डैमेज करने में लगे हुए हैं भाई? ऐसा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि आज जब चुनाव सर पे है, भाजपा और दूसरे पार्टियों के पास प्रत्याशी नहीं है, कहां से किसको लड़ाएं इस पर अभी ये विचार नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और जल्दी हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी भी सूची जनता के सामने आ जाएगी। अच्छा, और हमने उन क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों का नाम जारी किया है जहां चुनाव सातवें चरण में, छठे चरण में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सूची में नौजवानों को और महिलाओं को विशेष जगह दिया गया है, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक अनोखा प्रयास है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 4.5 साल में योगी सरकार ने जिन महिलाओं पर अपराध और अत्याचार किया, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे वो सोनभद्र की बेटी हो, चाहे वो लखनऊ की पीड़िता हो, उसे हमने विधानसभा में टिकट देकर महिलाओं का मान और सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है। कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती, बहुत ही स्वच्छ और सुंदर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इन्होंने कहा कि मंत्रियों की समीक्षा कराई गई और उनकी टिकट कटने वाली थी। इन्होंने दबी जुबान ये बात तो कम से कम स्वीकार कर लिया कि इनकी पार्टी के मंत्रियों ने काम नहीं किया था। और सच्चाई ये है कि सिर्फ किसी मंत्री ने नहीं, पूरी सरकार ने काम नहीं किया है। और माननीय प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं, बदलना है तो अभी समय है, मुख्यमंत्री बदल दीजिए, योगी जी का इस्तीफा ले लीजिए। आप 100 सीट भी नहीं जीतने जा रहे हैं, 50-60 सीटों में सिमट कर आप रह जाएंगे उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में। तो क्या तो कुछ उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है? आपके कांटेक्ट में भी कुछ लोग आए हैं क्या? क्योंकि सब तो समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, किसी से कुछ कांटेक्ट बना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे साथ कोई आना चाहता है, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि उसके बैकग्राउंड की हम समीक्षा करेंगे। अपराधी किस्म के व्यक्तियों को हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है और कांग्रेस पार्टी किसी भी अपराधी को कहीं से भी टिकट नहीं देगी, ये मैं आपके मंच पर दावे के साथ कहने जा रहा हूं, जो दूसरी पार्टियां दावा नहीं कर सकती। और हम बहुत ही स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस से कोई जा रहा है तो हम मना भी नहीं करेंगे। हर व्यक्ति का निजी अपना हित अहित होता है, अपने निजी हित अहित को ध्यान में रखकर सभी को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। राजनीति सबको स्वतंत्रता प्रदान करती है। लेकिन मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब इनकी पार्टी में थे, 4.5 साल मंत्री बनकर रहे, तो वो पाक साफ थे। और जैसे ही इनकी पार्टी छोड़े, उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूं कि राजनीति का इतना घिनौना खेल आखिर क्यों? यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ खत्म होना है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। काहे ये अपराध कर रहे हैं, काहे संवैधानिक मूल्यों से यह मजाक और खिलवाड़ कर रहे हैं? आपने योगी आदित्यनाथ जी के रूप में उत्तर प्रदेश में एक माफिया को मुख्यमंत्री बनाकर रखा है, जिसने पूरे स्टेट को एक माफिया स्टेट बना दिया है। बदलना है तो मुख्यमंत्री बदलिए महाराज, काहे ये अपराध कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू, आता हूँ मैं आपके पास। सिद्धार्थ राजभर मासा जुड़े हुए, कल भी जुड़े थे। सिद्धार्थ, लिस्ट लाए हैं क्या? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि तीन लोग छोड़ेंगे, तीन लोगों ने छोड़ दिया, क्या आगे क्या है भाई? कल का भी कुछ है क्या आपके पास ऐसा? देखिए, लिस्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे नेताजी बालिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, आज तो मैं आप किसी चेयर पे बैठा था, हाँ,
और आप इसी वही यही समय था आपसे कहा था अभी कि कल दो विकेट गिरने वाला है और आप देख लिए आज फुल टॉस गेंद हुआ और तीन विकेट गिर गया। तो मैं भारतीय झूठ पार्टी के लोगों से बताना चाहूंगा, ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब सम्मी आजाद जी बता रहे थे कि एक गद्दार ही गद्दार का हाल जान सकता है। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आए थे, जब बहुजन समाज पार्टी को 2017 में छोड़कर आए तो आपके पास आए, तो यानी कि सबसे पहले तो गद्दार आप हुए, सबसे पहले गद्दार आप तो हुए। इनको बताना चाहूंगा, इनको निमंत्रण दे रहा हूं अभी, शम्मी जी को निमंत्रण दे रहा हूं कि खिचड़ी पूर्ण रूप से पक चुकी है। क्या बुला रहे हैं क्या ज्वाइनिंग? हाँ, कल आ जाए खाने के लिए। अच्छा, कल तो खाने के लिए आ जाए। साथ में हमारी तरफ से परोसा जा रहा है कि जो हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा है, समाजवादी पार्टी, जो हमारी गठबंधन है, मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूं, आप आ सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, आप भी आकर खा सकते हैं। मुझे क्यों लेके जा रहे भाई? नहीं, आजाद साहब से बता रहा हूँ कि आप आवे, कल खिचड़ी पक चुकी है, अच्छी तरह से पक चुकी है, उसको छौका भी गया है। कितने लोगों को निमंत्रण दिया है आप लोगों ने कल? निमंत्रण कलम को लग रहा है कि 11 खिलाड़ी होंगे, 2 एम्पायर होंगे। नहीं, यही पुराने वाले खिलाड़ी की कोई नई टीम है? नहीं, नई खिलाड़ी आ रहे हैं, नई खिलाड़ियों को ज्वाइन होगा। हाँ, 11 खिलाड़ी होंगे, 2 एम्पायर होंगे। अच्छा जी, ये शमशी साहब की तो आवाज ही बंद हो गई। नहीं, उनसे बताना चाहूंगा खिचड़ी पक चुका है। हाँ। शमशी साहब से बताना चाहूंगा खिचड़ी पक चुका है, आप भी सादर आमंत्रित है, शमशी साहब आप भी आकर खिचड़ी खा लें। और भारतीय झूठ पार्टी के पास कुछ बता नहीं है, भारतीय झूठ पार्टी के पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, और ये सिर्फ इनसे रोजगार की बात कैसे नहीं, ये तो अपने छोटे छोटे दल जो इनके साथ है उनको मजबूत करने में लगे हुए, हिस्सेदारी मोर्चा इनके साथ है, इनसे रोजगार की बात करो तो भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, इनसे शिक्षा की बात करो तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनसे जो लोग हमारे सड़कों पर किसान बात कर रहे हैं, जो इनके मुख्यमंत्री जी की ललका साड़ हमारे चलिए क्षेत्र में, इन जो ललका और काला साड़ छोड़े हैं, किसान लाठी में तेल लगा के बैठा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगाना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों से झुटलाना जानते हैं, लोगों को ठगना जानते हैं। मैं इनसे कहूंगा, पुनः कह रहा हूं कि शमशी साहब आप सादर आमंत्रित हैं खिचड़ी खाने के लिए, कल आप आइए। अच्छा, एक सवाल लीजिए मेरा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन जहां सर जहां से आप लोग मजबूत हैं उन्हीं क्षेत्रीय दलों से उन्हीं क्षेत्रों से कुछ क्षेत्रीय दल उन्होंने अपने साथ रखे हुए, जिसमें हिस्सेदारी मोर्चा भी है, और बीते दिनों उन्होंने बाजडी में एक रैली भी की थी, जनता भी वहां पर इकट्ठा हुई थी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई कुछ बचा नहीं है उनके अंदर में? देखिए, जो सहयोगी दल के लोग इनके साथ हैं, मैं उनसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जो सहयोगी छोटे दल है, मैं तो वहां से होके चला आया हूं, एक बार जब व्यक्ति दूध से जल जाता है तो माथा भी फूक कर पीता है, माथा भी फूक कर पीता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर इन लोगों की बेईमानी, गद्दारी, धोखेबाजी देख चुका हूं, इसलिए जो छोटे दल क्षेत्रीय दल उनसे बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना जानता है, आपको यूज करके लात मार देगा, आपकी हक अधिकार की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो ले जाएंगे साथ में आज इनको, एकदम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ठीक है। सुनील कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिस्सेदारी मोर्चा से। सुनील जी, जा रहे हैं क्या साथ में आज? ये तो देखने के वाले समय बताएगा। दरअसल जो बात आज ये कर रहे हैं कि हम इन लोगों के साथ थे और चले आए, तो ये सबसे पहले अपने आप से पूछे कि इन्होंने भी एक मोर्चा बनाया हुआ था और उस मोर्चे में जो जो लोग थे आज वो कहाँ कहाँ, उन्होंने कितना उनको सम्मान दिया था और ये स्वयं वहां से क्यों चले आए और क्या सोचकर वहां गए थे। नंबर तो अगर सम्मान मिल रहा है तो ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण तो परिवारवाद की राजनीति है जहां ये इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सारे दलों के नेताओं को अगर आप देखें तो इसमें से एक एक ही फार्मूला वहां दिख रहा है कि उन्हें अपने परिवार, अपने
भाई भतीजों और पुत्र पुत्रियों के लिए टिकट की चाहत है, और जो अभी पिछले दिनों कल परसों में जो एक बैठक हुई है और उसमें टिकटों की जो हिस्सेदारी या बंटवारा किया गया है, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के जो जाना चाहते हैं या गए हैं, उनकी क्या मंशा है। उसके पीछे एक कारण सिर्फ और सिर्फ उनके अपने परिवारवाद की राजनीति को। दो तरह के जवाब मिल रहे हैं मुझे। शमशी आजाद कह रहे हैं बीजेपी से कि उन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया था, आप कह रहे हैं कि परिवार के लिए टिकट मांगा है। दोनों है, दोनों है। उन्होंने काम भी नहीं किया था और उन्हें पता था कि इस बार उनका पत्ता गोल हो रहा है और वो अपने क्षेत्र में हारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। अच्छा, तो ये ओम प्रकाश राजभर कैसे जान जा रहे हैं कि इनको आज आज ये जाएंगे, आज वो जाएंगे? वो कह रहे थे मुझसे कि मेरे घर पे रोज रात में 6-7 मंत्री आते हैं अलग अलग गाड़ियों से और कहते हैं कि कुछ हला भला करा दो हमारा। अब ये तो वो ही बताएंगे कि मंत्री उनके पास आते हैं कि वो मंत्रियों के पास जाते हैं। जिस ललका साड़ की बात जाएंगे, जिस ललका साड़ की बात वो कर रहे हैं, वो किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, इसको आप देख सकते हैं। आ रहा हूँ सबसे भाई, आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भले ही आज की डेट में समाज उनको जान गया है, उनके समाज का, वो मौर्य समाज या कुशवाहा समाज के कोई बहुत बड़े नेता अब नहीं रह गए हैं। वे समझ गए हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और मैं मौर्य समाज और कुशवाहा समाज को अकेले मैं यहाँ पे रह के या मैं उनको बरगला नहीं सकता बार बार, इसलिए वो पाला बदल रहे हैं। आप को मिल रही है सीटों की बात। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, चंद्रेश भाई पूछिए। मैं जरा एक इजाजत दिया जाए। हाँ, ये जो साहब भागीदारी मोर्चा से बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका? इनका सुनील कुशवाहा है, हिस्सेदारी मोर्चा से। अच्छा, सुनील कुशवाहा जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का हक मारा गया, आरक्षण घोटाला हुआ, आपके भी संज्ञान में होगा। नहीं होगा तो शिक्षा मंत्री जी के बयान को सुनिए। उन्होंने माना कि आरक्षण देने में हमसे विसंगति हुई, इसलिए 6,000 अतिरिक्त पद हम उन्हें देते हैं। तो सरकार जब सत्ता में रहकर आप अनुसूचित जाति और पिछड़े अति पिछड़ों का हक मारते हैं, आप लोगों के हित पहले सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? मैं आ रहा हूँ आपके पास, और हम आप लिख लीजिए मैं आऊंगा। जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आपसे क्या पूछ रहे भाई, आपके सहयोगी दल से पूछ रहे हैं। और इस बार चाहे आप पटक कर रगड़ कर कुछ भी कर लीजिए, इस बार आपको पिछड़े और अनुसूचित जाति का वोट, महिलाओं का वोट और नौजवानों का। ठीक है, जवाब दीजिए चंद्रेश भाई। ठीक है, एक मिनट प्लीज, सुनील जी एक मिनट शमशी भाई प्लीज सुन लीजिए, जवाब सुनिए। उसके पहले अभी चंद्रेश जी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी 50% सीटें दे रही है 125 में, और आज इनको महिलाओं के सम्मान की याद आई है। और अगर ये 69,000 शिक्षक पे भी उन्होंने कुछ बोला, बिल्कुल 69,000 शिक्षक पे ही मैं आ रहा हूँ, लेकिन महिलाओं के सम्मान की जो बात आपने करी है, अगर यही बातें आपको पिछले 70 सालों में याद आ गई होती तो आज कांग्रेस की ये दशा और दिशा उत्तर प्रदेश में नहीं होती। और रही बात शिक्षक भर्ती की और 70,000 के मसले की, 20 तहसील में चीरहरण किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किस ये हिस्सेदारी के मोर्चे के हिस्सेदार हैं आप? पिछली आप आज बात कर रहे हैं, पिछली सरकार आपको पिछली बार पिछली सरकार ने कितना प्रदेश में गुंडा राज भ्रष्टाचार महिलाओं के अपमान की बात की थी, इसको आप मत भूलिए। आज ये जो एक जमावड़ा लगाया जा रहा है, एक जगह इकट्ठा हुआ जा रहा है, अब जनता प्रदेश की समझ चुकी है, वो एक बार फिर से प्रदेश की जनता को लूटने नहीं देगी। और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन की सरकार बनने वाली है। एक चुनाव जीतने के लिए एक महिला का हिस्सेदारी मोर्चा के प्रवक्ता जी जरा एक बात बताइए, जवाब जनता गरीबी में उत्तर प्रदेश नीति आयोग की पिछले कार्यकाल को याद करिए, कितने प्रदेश में हत्याएं हुई, कितने महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, इस पर जनता भूली नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही पिछले 5 साल में, और ये मंत्री लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, अगर इनको स्वामी प्रसाद मौर्य एवं अन्य कंपनी के लोगों को इतना ही अगर विकास की बात चिंता होती तो ये अभी पहले इस्तीफा दे देते। 5 साल तक इनको सुध नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी में बताइए, जितने बड़े नेता है किसके परिवार का बच्चा सांसद नहीं है, किसके किसके परिवार का सबसे पहले
जवाब दीजिए। सबसे पहले अभी कल के टिकट बंटवारे के दौरान जो फोटो सामने आई है उसमें एक एक नाम आप गिना के देख लीजिए। तो बच्चा कहाँ बनाया जाएगा? सभी सिर्फ घर और परिवार की पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और इस देश की जनता समझ चुकी है, इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब इस तरीके के दलों को हम नकार देंगे। और ये प्लीज एक एक करके बोलिए। हाँ, शमशी आजाद, शरीफ भाई प्लीज। यादव आ गए हो तो बताइए, कोई आ गया समाजवादी पार्टी का तो बता दे, किसने आकर रामगोपाल यादव ने आके किसी को भूखे को खाना खिला दिया? समाजवादी पार्टी बात करेगी। अब जैसे दिखी लहर दिखी तो अब रामगोपाल यादव भी दिख रहे हैं, अब जो शिवपाल यादव भी दिख रहे हैं, अब सब दिख रहे हैं। ये बंदर बात अब नहीं हो पाएगी। 2017 में ही जनता ने जवाब दे दिया है। 2017 का नारा लेकर आए थे, मुसलमानों को बेवकूफ बना के राजनीति करेगी समाजवादी पार्टी। 2017 में ही काम बोलता है का नारा लेकर आते, अगर काम किया होता तो जनता इनको सर पर बैठाती। सारे खोखले वादे, सारी दलाली, सारी गुंडागर्दी, सारे पर एक बिरादरी का आदमी, पार्टी में एक बिरादरी का आदमी। समाजवादी पार्टी परिवार की बात करती है, हमारे मुखिया से बात करती, जो कोविड पॉजिटिव होते हुए जनता के बीच में गया, कहां बात करेंगे? राजनाथ सिंह गृह मंत्री है, उनका लड़का मंत्री बन गया हो तो बताइए। ठीक है, प्लीज हो गया, आप लोग शांत रहिए। ठीक है, प्लीज हो गया, शांत रहिए, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास आ रहा हूँ। शमशी आजाद, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज शांत रहिए। एक मिनट, सुनील जी एक मिनट। चंद्रेश कुछ कहना चाह रहे हैं। शमशी भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे चंद्रेश कुमार को सवाल पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस से, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ चंद्रेश जी, पूछिए। भाजपा और उसके समर्थित दल के प्रवक्ता से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन, मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन, पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में, पिछले 30-32 सालों का रिकॉर्ड देखें तो थोक महंगाई में पहली बार 32 साल में सर्वाधिक थोक महंगाई देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आप महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं कर पाए, आप अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पाए, उसके बाद भी कहते हैं कि आपने काम किया है, आपको शर्म नहीं आती क्या? शमशी आजाद, अब अपना जवाब जल्दी से पूरा करिए, फिर हम शरीफ हाशमी के पास चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है? अभी तो पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं क्या इनका? ये देखिए, जब चुनावी समर आता है, ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है चुनाव, ठीक है? और इसमें हमारे यहाँ से एक आदमी अगर जा रहा है तो उसको पता है कि हम क्यों जा रहे हैं। वो अवसरवादी लोग थे, अवसरवादी लोग थे, जिनको यहाँ रहकर हमेशा सत्ता की मलाई खाने की आदत, उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के बयान रहे सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार न 2017 में जनता ने अच्छी तरीके से बता दिया था कि अब दोबारा 40-50 सालों तक समाजवादी पार्टी की सरकार एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ये बन गई थी। वो क्यों बन गई थी? क्योंकि इनके नेता ने जो है बेजबान और बेकसूर जो है कारसेवकों पर गोली चलाकर मुसलमानों को जो है बरगला करके सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमान जागरूक हो चुका है और ये 2019 के चुनाव में दोबारा से प्रधानमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया है। समाजवादी पार्टी में मुसलमान किसी तरीके से नहीं जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आदर्श पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में किसे किसको वोट देना है सबको मालूम है, हमसे मालूम कहा जाना है किसको जानता है भाई। एक 5 सालों में एक काम बता दे, अपना 5 सालों में काम बता दे, काम के नाम बता दे।
अभी आप बता रहे थे, अभी बता रहे थे, अभी बता रहे थे, अभी बता रहे थे, जो है तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जा रहे होंगे। एक काम बताइए, बात कर रहे हैं आप, एक काम बताइए, में आपका इलाज हो रहा है, किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप, कहाँ बात कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप, किस हॉस्पिटल की नाम बताइए, किस हॉस्पिटल की बात करें, कितना नाम, एक दो नाम हो तो गिनाया जाए, आपके भारतीय झूठ पार्टी का एक भी हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, प्रकाश राजभाई को हमने सम्मान का दे दिया, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, ये लगा के एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक कॉलेज का नाम बताइए, एक कंपनी का नाम बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मैं आऊंगा पूछ लूंगा अभी। अरे सुनील जी भाई, सुनील भाई शांत रहिए, शरीफ हाशमी बड़े देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ शरीफ भाई बताएं, कोई मूल मुद्दा नहीं है, देखिए ये कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट कहाँ देगा उसको पता है, तो मुसलमान तो आप भी है कि आपको पता है कहाँ वोट देना है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। पहली बात तो ये है कि फिर वही बात, पाकिस्तान मंदिर मस्जिद यही बात करते हैं, आ गई ना हिंदू मुसलमान, मुद्दा नहीं बचा, ठीक है सिद्धार्थ प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सिद्धार्थ, बाबा जी एक काम किया तो बता दीजिए, ठीक है सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ प्लीज बोलने दीजिए, शरीफ आज बात कर रहे हैं, शरीफ आज बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा भाई, एक मिनट मैं आऊंगा। हाँ शरीफ हाशमी जल्दी से बात कीजिए, इनके पास कोई मूल मुद्दा नहीं, देखिए सीधे आ गए कि मुसलमान वोट कहाँ देगा, आपको मुसलमानों का वोट मिलता है क्या, नहीं मिलता है, ठीक, आपको दर्द छलका, अब आपको कुछ नहीं मिला, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान, सही बात तो इन्होंने ना कहा, नौजवान अलग, किसान अलग, मुसलमान अलग, आपसे तो सब अलग हो चुके हैं, एक करके बोलिए भाई, काला हो चुका है वो देखेंगे आप, भारतीय झूठ पार्टी के लोग बोल रहे हैं, ठीक है प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, एक करके बोलिए प्लीज प्लीज, हो गया आप लोगों का हो गया प्लीज, सुनील कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं, सुनील जल्दी से अपनी बात पूछ, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को 4 बार मौका दिया, आखिर अगर उन्होंने इतना ही विकास कार्य किए थे, इतना ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था, तो उनको जनता ने क्यों नकारा, और कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में शासन किया, अगर इतना ही विकास किया तो गरीबी क्यों है, 5-7-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में शिक्षा की बहुत बड़ा काम कर रही है, और रही बात ये अभी ललका साण वाली पार्टी के प्रवक्ता जो है वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि वो सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो जो हिस्सेदारी मोर्चा है उसमें 10-12 दल जो शामिल है, उनमें से कई दल केवट राम धनी बिंद जो हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक हैं, वो पहले इनके मोर्चे में ही थे, उन्होंने उनको कितना सम्मान दिया, खिचड़ी तो देखिए कल बनना स्टार्ट होगा, लेकिन वो असली खिचड़ी कब पकेगी आने वाला समय बताएगा, ये बीरबल की खिचड़ी की तरह ये खिचड़ी बन जरूर रही, लेकिन वो पकेगी नहीं, ठीक है हो गया, ठीक है चंद्रेश, कांग्रेस की आ रहा हूं, सिद्धार्थ में आ रहा हूं, चंद्रेश को ले लेते फिर आ रहा हूं, पास हां अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा 60-70 सालों में कांग्रेस ने काम किया, ठीक है प्लीज आप दोनों लोग शांत रहिए भाई, चंद्रेश को बोलने दीजिए, सुन लीजिए, 60-70 सालों में आज हमने जो बनाया है आज वही तो बेच कर आप खा रहे हैं,
आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ हम इकट्ठा करेंगे, वो बनाने का काम साहब कांग्रेस ने किया था। और पिछले 7 सालों में तुलना कर लीजिए आपने क्या किया है और 10 साल में मनमोहन जी की सरकार ने क्या काम किया है, आंकड़े आपके सामने है। गरीबी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। बेरोजगारी घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है। जीडीपी आगे गया है कि? अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो आंकड़े जो है तो विकास हुआ कहां पर है? कि गरीबी आंकड़े तो एकदम बता रहे हैं, आंकड़े हम नहीं बनाते हैं, नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर वन पर, मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार उल्लंघन में नंबर वन पर, भुखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर वन पर। ये आंकड़े साहब हम नहीं बनाए थे, ये आंकड़े आपके एजेंसियां बनाई है। और उत्तर प्रदेश में आपको एक बात बताएं, पुलिस कस्टडी में सर्वाधिक मौतें हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, और उत्तर प्रदेश की जनता आपके चाल और चरित्र को जान गई है। और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर हमने सबसे बड़का झूठा पार्टी रख दिया है, अब भाजपा भाजपा नहीं है। कोई नाम रखने से और बोलने से नहीं हो जाएगा, बड़का झूठा पार्टी हो गई है। बात आ गई। ये 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रदेश में भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन की सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, ना सिर्फ 300+। अरे आप बताइए ना, 4.5 साल में आपने क्या किया है वही बताइए, पहले जनता बताएगी। जनता बताएगी 10 मार्च को। 10 मार्च कल से स्टार्ट हो गया। काफी लंबे समय से कांग्रेस का राज रहा देश में। क्या किया? सुई से लेकर जहाज अगर कोई बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने एक हॉस्पिटल बना दिया और उसमें 250 बेड समाजवादी पार्टी ने लग दिया। और विकास क्या होता तो आज कांग्रेस की हालत मुख्यमंत्री क्या किए हैं देखिए, ने बताया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने बेड डाला और इनके मुख्यमंत्री हटाकर अपना नाम रख दिया, इनके मुख्यमंत्री जिला हटाकर अपना नाम रख दिया, नाम बदलने वाले। घबराओ नहीं, 10 मार्च के सहयोगी दल में 10 मार्च अरे नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी घबराइए नहीं, मैं तुझे मुख्यमंत्री को बदल के दिखाऊंगा 10 मार्च 2022 को, घबराइए नहीं। पूरे बहुमत की भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कब बनेंगे? अमित शाह के लड़के कब बनेंगे? और उसके सारे सहयोगी एक परिवार के एक परिवार के पार्टियां हैं, अभी आपकी जगह पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उसके पीछे एक और कारण है। कोविड काल में हमारे प्रचारक मंत्री कोविड काल में कहां थे आप? गरीबी रेखा राशन कब से मिल रहा है? सुनील जी प्लीज शांत रहिए, आप लोग शरीफ हाशमी बोलेंगे। सुनील कुशवाहा जी शांत हो जाइए, शरीफ हाशमी बोलेंगे, उसके बाद हम शमशी के पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इनके ऐसा इस्तीफा होता है, इनको ऐसा लगता है कि अब भूचाल आ गया, अब इनका जो भी राज है वो फास हो गया। पिछलों वंचितों और दलितों के बीच इन्होंने जितना किया है, जितना दबा सकते थे, उस चीज को उजागर कर दिया उन्होंने। अब जनता इनको खदेड़ा करेगी,
10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नक्शे से गायब हो जाएगी। ठीक ठीक है, ठीक है, प्लीज हो गया। शमशी आजाद अपनी बात पूरी कीजिए। ये एक छोटी पार्टी कह रही है जो सिर्फ एक प्रदेश में है, जो अपना प्रदेश न संभाल पाए, जो अपना घर न संभाल पाए, बड़ी मान मनोबल के बाद 5 साल के बाद अरे तो उसी छोटी पार्टी में तो आपके नेता भाग भाग के जा रहे हैं। मान मनोबल के बाद चाचा चाचा को मनाने का 6 फीट चाचा को मनाने का काम किया है। दुनिया ने देखा ये बौखलाहट, ये बौखलाहट बता रही है कि सत्ता जाने के बाद समाजवादी पार्टी को रोड पर गुंडागर्दी करते थे, जो लाल टोपी लगाकर फर्राटेदार गुंडागर्दी किया करते थे, बलात्कार करते थे, रेप करते थे, माफिया गिरी करते थे, अपहरण करते थे, किडनैपिंग करते थे, मनी लेते थे, हफ्ता लेते थे, वो सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ देख लीजिए बैठे, अब ये बोल रहे थे हम चुप थे, अब हम जो कह रहे हैं सच्चाई अगर सुनने की क्षमता रखते तो दूसरे की भी सुने। इन्होंने गुंडागर्दी, माफिया गिरी, घर पे कब्जा, हत्या करना, आप बता रिकॉर्ड देख लें, उत्तर प्रदेश में एक दंगा अगर सही हो गया हो तो आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को परेशान किया गया हो तो बता दें। उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज भी दस्तर पे चौराहे पर, इसी दस्तर पे चौराहे से लेकर पूरे लखनऊ से पूर्वांचल जहां जाते हुए लोग करते थे, आजमगढ़ बलिया गाजीपुर को अच्छा, जाता है। प्लीज हो गया हो गया आज हो गया, सुनिए उत्तर प्रदेश में शमशी भाई एक बात सुनिए, शमशी भाई एक सवाल तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे। नकाब पहनकर समाजवादी पार्टी में कोई औरतें नहीं चल पाती थी, समाजवादी पार्टी के लोग उनका नकाब उतार लिया करते थे, कहाँ बात करेंगे। रात के 2 बजे औरतें जो उत्तर प्रदेश में नकाब पहनकर पूर्वांचल में नहीं निकल पाती थी, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे नकाब उतार दिया करते थे। आज पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश में विश्व के नाम पर जो है तरक्की पे गिना जा रहा है, कल उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे पिछड़ा जाना जाता था, आप कहाँ बात करेंगे। एक प्रदेश नहीं संभाल पा रहे, एक प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। थैंक यू कोई और नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और चुनाव को देखते हुए जो दल बदलने की प्रक्रिया है वो भी उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है। बीजेपी के कई सारे जो बड़े लीडर हैं, बड़े नाम हैं, उन्होंने बीते 3 दिनों में लगातार पार्टी छोड़ी है। चाहे उसमें हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, दारा सिंह चौहान की बात कर लें, आज हम आयुष मंत्री की बात कर लें, धर्म सिंह सैनी, ये लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इनके साथ जो इनके समर्थक विधायक थे उन्होंने भी पार्टियां छोड़ी हैं। और 14 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि 14 तारीख को कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा ये कल पता चल जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज रात में बहुत से लोगों को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि कल सुबेरे से लेकर शाम तक कईयों के सूरज डूबेंगे तो कईयों का सूरज चमकना शुरू कर देगा। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।